जिंदगी एक सफर है सुहाना, पता नहीं कब मर जाना। सॉरी, ऐसे नहीं होता गाना, ये मैंने पता नहीं क्या कर दिया। चलो गेम शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेम मन जी। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है यार बढ़िया होंगे। तो आज शुरुआत पे मत जाइएगा, मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने कुछ भी बोल दिया और वो मैच मेरा सिरे भी नहीं चढ़ा, इंटरनेट ने धोखा दे दिया था, पता नहीं क्या हुआ, जो भी हुआ। चलो अभी हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं नंबर एक पे, पहले ही मैच पे क्वालिफाइड, ऑसम बात। और आज स्टंपल गाइस, वी आर प्लेइंग स्टंपल गाइस, हमारा बचपन का प्यार, हमारा बहुत पुराना, लेकिन इससे पहले भी इतिहास में अगर हम झांके तो सबसे पहले हमने कॉल डूड्स खेली थी शायद। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमको आया है ओवर एंड अंडर, लेकिन इसके पहले आप लोगों के लिए दो काम है। नंबर एक क्या था, मैं भूल गया, मैंने कुछ कहना था। हाँ, एक तो चलो इंस्टा पे याद आ गया मेरे को, इंस्टा पे आपको करने 2000 फॉलोअर्स। मुझे लगता है अब तक जब तक ये वीडियो आ रही है मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया होगा, अगर आप 2000 फॉलोअर्स कर देते हो तब हम खेलेंगे संडे को आपके साथ स्टंबल गाइस, लेकिन आप नहीं करते हो तो हम स्टंबल गाइस तब तक नहीं खेलेंगे जब तक आपके साथ, जब तक आप 2000 फॉलोअर्स कर नहीं देते। और नंबर दो पे बात थी, आप मुझे नीचे ना अच्छी अच्छी स्टोरी वाली गेम्स जो पीसी के लिए हो, जैसे रेजिडेंट ईविल विलेज की इतनी उम्मा स्टोरी थी ना, छोड़ दो बातें, ये बाद में हुआ, ये पहले हो गया था, इसको छोड़ो, बात मानो। हाँ, तो वैसी स्टोरी वाली गेम्स जिस गेम का ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी वो गेम हम शुरू करेंगे। आप GTA 5 या माइनक्राफ्ट मत बोलना, इनको छोड़ दें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा, तो जरूर जाके फॉलो कीजिए अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ मुक्कियां खाऊं आपसे स्टंबल गाइस में नेक्स्ट वीक संडे को। नेक्स्ट वीक नहीं, अभी संडे को, आई थिंक परसों संडे होगा जिस वक्त ये वीडियो आएगी, मुझे नहीं पता कब संडे होगा, तो उससे पहले पहले 2000 फॉलोअर्स कर दीजिए, वरना हम संडे को क्या खेलेंगे, फिर पता नहीं हम क्या खेलेंगे, बस फिर स्टंबल गाइस नहीं खेलेंगे, वरना आपके साथ स्टंबल गाइस खेलेंगे। ये क्योंकि मुझे मुक्कियां भी खानी है आपसे, तो मुक्कियां खाने के लिए थोड़ी सी फीस चलती है। और नंबर दो पे जो भी गेम बताएंगे ना, याद रखना रेजिडेंट ईविल विलेज की इतनी अच्छी स्टोरी थी यार, वैसी कोई गेम बताओ जो आप लोग देखो भी। अभी मैंने प्रिंस ऑफ पर्शिया शुरू की थी लेकिन उसमें कुछ खास व्यूज नहीं आए तो अपन ने छोड़ रखी है वो, उसकी स्ट्रीम मैं कर नहीं सकता, पता नहीं क्यों वो कैप्चर नहीं करता मेरा OBS, क्यों नहीं करता मुझे नहीं पता, करने लग जाए तो अच्छी बात है। जनी एज अ स्क्रीन कैप्चर में तो करेगा, बट विंडो कैप्चर में नहीं करता, गेम कैप्चर में नहीं करता। और अगर गेम कैप्चर में मैं नहीं करवाऊंगा तो मेरे को सेटिंग्स करनी होती है, एज अ हमारे पास एक ही मॉनिटर है तो वो मुश्किल हो जाता है। अरे कोई एक ही बंदा जीतेगा क्या? मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ तुम लोगों से, आपको पता है मैं सारा मैच में मैंने बातें ही की हैं सिर्फ। अरे भाई कमाल होगी, ओपीएस्ट प्लेयर आई एम इन द वर्ल्ड। अरे यार मैं भी जंप लगा रहा हूँ। ओके द स्पिन गो राउंड नेक्स्ट। अरे अरे मेरा बंदा कहाँ गया? नहीं मेरा बंदा घूम नहीं रहा था, मेरा मतलब चक्कर नहीं आ रहे थे इसको, चक्कर क्यों ले आने हैं मेरे राजा को, प्यारा प्यारा राजा था, प्यारा प्यारा कहाँ है, नहीं प्यारे बुढ़ा राजा मेरा, चलो शेर बुढ़ा ही होता है, नहीं ये कब डिसाइड हुआ शेर बुढ़ा होता है, बुढ़ा ही पैदा होता है क्या वो, नहीं जवान होता है ऐसे तो बच्चा होता है शेर के, पालते हैं दुबई वाले लोग यार, मैं भी शेर पालूंगा देखना बड़े होकर, एक मिनट मैं ऑलरेडी 22 साल का हो चुका हूँ और कितना बड़ा होकर पालूंगा। ओके तो हम स्पेस रेस आए सेकंड नंबर पे और अभी तक हमें पेंट स्प्लैश, वैसे हम दूसरी बार ही खेल रहे हैं मुझे लगता है, बट फिर भी पेंट स्प्लैश नहीं देखने को मिला यार, ये तो धोखा है और ये उससे भी बड़ा धोखा हो गया अभी भी मेरे साथ, मेरी ट्रिक ने काम नहीं किया, लेकिन ट्रिक से पहले लोगों ने धक्का मार के साइड पे कर दिया, कहते हैं निकल हम जाएंगे आगे, तो मैंने भी कहा किसको गधो, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम फिर भी नॉट पैड खेल रहे हैं और हम इस नॉट पैड को अच्छे से बरकरार रखेंगे, जो जो हमसे आगे हैं वो ठट्ठे कुएं में जाएं, जो जो पीछे हैं उनको हमारी रिस्पेक्ट, ठट्ठे कुएं का मतलब तुम लोगों को नहीं पता होगा खैर, बट मैं इतनी बार बता चुका हूँ इतनी वीडियोस में, उसका मतलब होता है दफाओ। ओके कहाँ पे जाऊँ, नहीं दफाओ नहीं होता उसका मतलब, मैं एग्जैक्टली बताऊंगा बट मेरे को समझ नहीं आ रही कौन सा रास्ता चुनना था। ओए सही है ऑलमोस्ट, मैं हमेशा सेंटर से जाता हूँ, अगर 8 बंदे जाने हो तब रिस्क लिया जा सकता है। तो हनीकॉम्ब आया है और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस राउंड में ना बेकार परफॉर्म करूं, क्योंकि हनीकॉम्ब में मैं जीतता भी हूं बट मैं हारता भी हूं, वैसे ऐसा हर कोई राउंड ही ऐसा होता है जिसमें आप जीतते भी हो जिसमें आप हारते भी हो,
बट ये थोड़ा सा ज्यादा खास है यार, इसमें अगर किनारे पे जाओगे तो आपके गिरने के चांसेस काफी होते हैं, तो हम नहीं किनारे पे जाना चाहते यार। ये गधा था बंदा मेरे साथ वाला, मेरे यहाँ पे ये खराब करवा गया इतने। ओके तो यहाँ पे पूरी भगदड़ मच रही है, बट मैं अच्छे से खेल रहा हूं। ओए ये क्या हो गया था, मैंने तो नहीं किया था, या फिर मैंने किया, पता नहीं क्या हुआ, या मैंने किया या नहीं, मेरे को ये तो नहीं मालूम, बट कुछ तो हुआ था ना। हम पहले ही नीचे चलते हैं, बच गए हम, क्योंकि हमको अच्छा खेलने का है। और अभी तो किसी के पास पंच भी नहीं है, ये बात तो खैर बहुत अच्छी है, मैं जी सकता हूं। जैसे ओके भाई, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा यार, बहुत अच्छा खेला मैं, लेकिन यहाँ पे लेफ्टिनेंट जीत चुके हैं, लेफ्टिनेंट एनपी, अच्छी बात है। लेकिन यार मेरे साथ दो बार यही हुआ, लास्ट सेकंड पे हार रहा हूं मैं, तो तीसरी बार मैच रखने जा रहा है, क्या नया मैप आएगा आज की सबसे बड़ी खबर नहीं, आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या नया मैप आएगा, अगर वो आएगा तो किस हालत में आएगा, क्या लगता है आपको नया मैप आ सकता है। तो दोस्तों अभी सिटी रॉयल की वीडियोस भी आपको काफी देखने को मिलेंगी, जैसे कि हम यहाँ पे स्टंबल का एस्केप कंटेंट क्रिएटर थे, ऐसे ही हम अभी सिटी रॉयल के भी क्रिएटर बन चुके हैं, और वो गेम हमारे इंडिया में बनी हुई गेम है। अगर आपने इस गेम को इतना प्यार दिया है जो कि हमारे इंडिया की है भी नहीं, तो उम्मीद है आप हमारे इंडिया में बनी हुई गेम सिटी रॉयल को और भी ज्यादा प्यार दोगे, तो उसकी वीडियोज भी काफी देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं की है, पूरी प्ले लिस्ट है हमारी, जरूर देखना आप। लेटेस्ट वीडियो मैंने अपनी सिस्टर के साथ खेली थी, उसकी लेटेस्ट से पहले, खैर अगर वो नहीं देखी तो जरूर देखना। एक मिनट में पहुंच जाऊंगा ना, मैं आगे पहुंच गया, यस इस बार तो मैं अच्छा खेल रहा हूँ, या फिर वो बॉट्स आए हैं या फिर गेम लैग कर रही है, मुझे नहीं पता, जो भी हालात हैं, बट आप उनका बेड़ा पार है, जैसे भी हो जो भी हो अपुन तो पार है, अपुन तो पार है। अरे कोई आ ही नहीं रहा रे, अरे भाई कितने नूब हैं। ओके तो आज बंदे एलिमिनेट हो गए यहाँ पे, लेजर ट्रेसर लेजर ट्रेसर लेजर ट्रेसर लेजर ट्रेसर लेजर ट्रेसर लेजर ट्रेसर लेजर ट्रेसर, ओए बस लेजर ट्रेसर करते करते मेरा ट्रेस हो गया था काम। ओके हमारे साथ आए हैं सारे बॉट्स, हमारे साथ आए हैं सारे बॉट्स। मुझे नहीं पता इस वाली बीटा में ऐसा क्यों होता है, लेकिन बॉट्स आते हैं बहुत ज्यादा, और इस बार तो मुझे लगता है सारे के सारे बॉट्स हैं, और इस मैच को ना अगर बॉट्स ना होते तो हम नहीं जीत सकते थे, लेकिन बॉट्स हैं तो हमारा जीतना लगभग तय था। भाई अगर अभी भी ना जीते ना तो बैंड बज जाएगी, बहुत गालियां पड़ने वाली हैं अगर हम ना जीते। बॉट्स है बॉट्स, इनसे जीतना पड़ेगा, इतनी बेइज्जती करवा ली तूने भाई, अगर बॉट्स ना होते तो मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस ना होता तो मैं थोड़ा और अच्छे से खेलता, बट अभी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था जिस वजह से हम पीछे रहे, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई नहीं गया, अभी तक कोई जाएगा भी नहीं। अरे बॉटो कहाँ पे मर गए, क्या कभी कोई बॉट जीतता नहीं भाई ये गेम सच में, मैंने चीटिंग नहीं की, वो आ रहा था एक तो आ रहा था एटलीस्ट, ये खुद पर खुद बॉट्स आए, बीटा में क्यों ऐसा होता है, पहले भी हुआ था एक बार। ओके तो काफी दिनों बाद हमको बॉम्बार्डमेंट देखने को मिला, और किसी को बेचारी को इस मुर्गी को पड़ा, और इस बार मुक्के भी नहीं पड़ने वाले इस बॉम्बार्डमेंट में, ये तो अच्छी बात है, एटलीस्ट शुक्र है किसी ने मुक्का नहीं मारेगा कोई भी, वरना बॉम्बार्डमेंट में मुक्कों से डर लगता है भैया। भैया मुक्कों से तो मुक्कों से, कई बार तो ना उससे भी डर लगता है, क्या कहते हो उसे, क्या कहते हो, प्यार से भी डर लगता है, मतलब हगीर से भी डर लगता है। यार मेरे पास से निकला ये बॉम्ब, मेरा क्या इरादा है, मेरा हिलने का इरादा है यहाँ से, यस मैं थोड़ा सा हिला, मैं थोड़ा सा तो हिला, अरे इतनी जल्दी मत मरना, मेरे को एंजॉय करना है यार अभी, मत, अरे सिर्फ दो बंदे बचे यार, अब तो मरेंगे ये तो, चल तो मर जाओ जल्दी फिर तो, अभी कहीं इनको कहते कहते मैं ना उठ जाऊँ, नहीं नहीं अपुन नहीं उड़ेगा, अपुन यहाँ पे सेफ है, सभी सेफ हैं, ये अच्छा खेल रहे हैं यार। अब पहले तो एक रह गया, एक बंदा करेगा अब इतना, ओ शुक्र है इतना बदकिस्मत मैं नहीं हूँ। ओके तो मैं फिर से फिनाले में आया, और मैं इस बार भी अच्छा खेलता,
बट मेरे कैमरा में कुछ दिक्कत थी, मेरे को अभी पता चला, मेरा जो ओवरले होता है ना वो अलग से गलत लगा हुआ था, मुझे पता चल गया। आप वीडियो में मतलब बताना कमेंट्स करके, अभी तक कईयों ने तो कर भी दिया होगा कि भैया आपका ओवरले अलग से था, ओवरले मतलब वो फ्रेम था हमारा, वो फ्रेम सही जगह पे नहीं था। बट अभी मैंने देखा और जब तक मैं सेट कर रहा तब तक मैं नीचे गिर गया। बट अभी हम कर क्या सकते हैं, अभी हम यहाँ पे जाकर बचने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज बच गया भाई, मुझे था मैं गया, वो तो अच्छी बात है मैं बच गया। यार यहाँ पे ये आ रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम उस साइड को चलते हैं। भाई गधा है यार, ये यहाँ पे भी तबाह कर दिया यार, पीछे भी छोड़ के, और ये गेम लैग से कैसे होके चली मैनी मैं मैच। ओके तो फिनाले पे ये राउंड आया जिसको हम जीते हैं एक बार आई थिंक, या दो बार, पता नहीं यार, जितने भी बार जीते हैं इस बार जीत के रहेंगे, तो मैं सीधा शायद फिनाले में लेके आया हूँ आपको, क्योंकि पिछले वीडियो काफी लंबी हो चुकी है शायद पहले ही, तो अरे दूर रहे थोड़ा सा यार, सेंटर में रहे थोड़ा ब्रो, मैं जीतना चाहता हूँ इस बार, क्योंकि पिछली बार हम बॉट्स के साथ जीते थे, तो मैं एक बार एटलीस्ट अच्छे से जीतना चाहता हूँ। बट जीत तो गए, खैर हम अपनी वीडियो को एक बार जीत के बंद करते हैं, बट फिर भी एक बंदा जा चुका है, अच्छी बात है। कौन रो रहा है भाई, क्यों रो रहा है तू, क्या हुआ तेरे को? ओके यार ये मेरे को बहुत मरवाते होते हैं, बट एटलीस्ट मैं इस बार इनसे बच गया। ओके भाई दो बंदे एलिमिनेट हो गए, थोड़ा पीछे रहे पीछे रहे। ओके ये फिर से आ रहे हैं, एक ही मौका मिलता है इनको। ओए बच गया, फिर भी अच्छा है, नॉट बैड। अभी पीछे, ओके बहुत संभल के, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भाग। ओए ओके बच भाई, बस यहां से निकल जा, ठीक है ओपी भाई, क्या धर्म संकट चल रहा है यहाँ पे यार, हार जाओ या जीत जाओ भाई, हार ही नहीं रहा कोई यार। अबे ये कहां से भाई, ये तो गलत है, मेरे को थोड़ी पता था, बच गया मैं, फिर भी बच गया मैं भाई, अब ये तो धोखा है ना, क्या ओपी परफॉर्मेंस थी, लेकिन इतनी लंबा मैच मेरे हिसाब से मेरे साथ में पहली बार गया है, ये मुझे पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ होता है इसमें, डबल। तो बस दोस्तों इसके साथ आज की ये वीडियो यहीं तक थी, हम एक बार जीत चुके हैं यार, चाहे बॉट से ही सही कोई बात नहीं, हम जीत तो चुके हैं ना, बस इसलिए ज्यादा मैं ट्राई नहीं कर सकता, आज के लिए इतना बहुत है, एड्स बहुत आती है बीटा वर्जन में, तो इतना ही बहुत है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर अपनी तो वीडियो देख रही हो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, तो शुक्रिया यार, बाय बाय, खुश रहो यार, बाय।